नमस्कार, स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। आपके साथ मैं हूं दीपिका नयाल। मीटू कैंपेन में कई बड़ी हस्तियों का नाम सामने आ चुका है, जिनमें से एक नाम है भूषण कुमार का। भूषण कुमार पर सोशल मीडिया पर यौन शोषण के आरोप लगे। हालांकि भूषण कुमार ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। यौन शोषण के आरोपों के बाद उन्होंने अज्ञात महिला के खिलाफ मुंबई में FIR भी दर्ज करवाई है। इसके बाद भूषण कुमार की पत्नी यानी एक्ट्रेस दिव्या कुमार पति का बचाव करने के लिए सामने आ गई है। दिव्या ने पति के बचाव में बकायदा ट्वीट भी किया है। दिव्या ने ट्वीट कर कहा है कि TSeries आज जिस मुकाम पर है वो मेरे पति की कड़ी मेहनत के बदौलत है। लोग तो भगवान कृष्ण के खिलाफ भी खड़े हो गए थे। हालांकि मीटू कैंपेन समाज से बुरे लोगों की सफाई कर रहा है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। मगर मैं हर हाल में अपने पति के साथ हूँ, जो अपने पिता का सपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश लोग बिना किसी आधार और सबूत के ऐसे घिनौने आरोप लगा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल बीते शुक्रवार को भूषण कुमार पर एक महिला ने ट्विटर के जरिए यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। महिला ने ट्विटर पर लिखा था कि भूषण कुमार ने अपने प्रोडक्शन हाउस की 3 फिल्मों में सिंगिंग का मौका देने के बदले उन्हें यौन संबंध बनाने को कहा था। इसके बाद इस मामले पर भूषण कुमार का बयान आया। भूषण कुमार ने इस मामले पर कहा कि आरोपों का इस्तेमाल मेरी इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है। बहरहाल अब भूषण कुमार की पत्नी भी सामने आ गई है, जो अपने पति के बचाव में उतरी है। देखना होगा इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है। खैर, हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन बाकी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।